शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से 24 जनवरी महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। अलग अलग तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी 24 जनवरी को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र बंद की दी गई कॉल के तहत नांदेड़ में भी बंद का अहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान ने कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान से मुलाकात की और इस मामले में इनसे हिमायत देने की मांग की। कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान ने इस मामले में मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में कुल जमाती तहरीक ने तमाम अफराद की राय लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के 24 जनवरी के महाराष्ट्र बंद को हिमायत देने का फैसला लिया। 24 जनवरी 2020 को पूरे महाराष्ट्र भर में NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ वंचित बहुजन आघाड़ी ने बंद का ऐलान किया है। चुनांचे इसी सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ शहर के जिम्मेदारान कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारों से रुजू हुए थे और उन्होंने कुल जमाती तहरीक से मुतालबा किया कि आप हजरात चूँकि मुल्क के अंदर NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ एक मजबूत मुहिम लेकर चल रहे हैं और हुकूमत का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम भी इसी सिलसिले में 24 तारीख को पूरा महाराष्ट्र बंद कर रहे हैं और हमारा इस सिलसिले में एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, तो हम ये ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे इस बंद और एहतजाज में हमारा साथ दें और हमारा जो है सपोर्ट करें। चुनांचे इस सिलसिले में कुल जमाती तहरीक ने अपनी तमाम ही जिम्मेदारान और इसी तरह शहर के जो ताजिर हजरात है, मोंडा के जो ताजिर हजरात के ज़िम्मेदार है, बागबान बिरादरी, ATM और इसी तरह दिगर जो बिरादरियों के ज़िम्मेदारान हैं, उनको बुलाकर इस सिलसिले में मशवरा किया और मशवरे के बाद ये तय हुआ कि चूँकि कुल जमाती तहरीक नांदेड़ शहर में हुकूमत की NRC और CAA और NPR की जो पॉलिसीज़ है उसके खिलाफ मुनज़्ज़म कोशिश कर रही है और ये कोशिश हमारे अगर दलित भाई और दूसरे तबकात की तरफ से भी हो रही है तो हम उसका बराबर साथ देंगे। आइंदा भी इस तरीके की कोई सरगर्मी करेगा और वो जमहूरी क्राइटेरिया के अंदर रहेगा तो कुल जमाती तहरीक उसके बराबर जो है तायद करेगी। चुनाचे जो बंद 24 तारीख को नांदेड़ में होने जा रहा है, कुल जमाती तहरीक उस बंद की तायद करती है, हिमायत करती है और तमाम आवाम से ये अपील करती है कि 24 तारीख को जो बंद कुल जमा शहर नांदेड़ नहीं बल्कि पूरे रियासत भर महाराष्ट्र में NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ होने जा रहा है, उसमें वो अपने बंद कराएं, अपनी दुकानें बंद रखें, कारोबार बंद रखें और हुकूमत को ये वाजे करें कि हम आपकी इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है और हमारा एहतजाज बंद की सूरत में हम जो है आपके सामने दर्ज करा रहे हैं। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ के पास कल शाम में वंचित बहुजन महाआघाड़ी के ज़िम्मेदार आए और उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि आने वाली 24 जनवरी को महाराष्ट्र बंद की एक कॉल पुकारी गई है और उस कॉल का मकसद यही है कि हुकूमत NRC, CAA और NPR के जो खवानीन उसने लागू किए हैं उसको रद्द किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर कुल जमाती तहरीक नांदेड़ के ज़िम्मेदारों ने और साथ ही साथ शहर नांदेड़ के तमाम दीगर बिरादरियाँ ख़ास तौर पे मोंडा व्यापारी एसोसिएशन, ATM, कुरैश बिरादरी, बागवान बिरादरी, इन तमाम हजरात के सामने गुफ्तगू हुई और तमाम ने इत्तेफाक राय से तय किया कि आने वाली 24 जनवरी को हम लोग मिलकर जो है इस नांदेड़ बंद के अंदर शामिल रहेंगे। लिहाजा कुल जमाती तहरीक आप तमाम ही हजरात से गुजारिश करती है कि आने वाली 24 जनवरी को आप हजरात जो है इस महाराष्ट्र बंद में शामिल हों, चूँकि मकसद उनका हमारा एक ही है, NRC, CAA, NPR के ख़िलाफ़ है और जाहिर सी बात है कि जब तक हम अपने बिरादरान वतन को साथ लेकर लड़ेंगे नहीं, कामयाबी हमको नहीं मिल सकती है। लिहाजा इंशाल्लाह आगे भी जब भी हुकूमत की इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो भी अगर बंद का ऐलान करते हैं तो इंशाल्लाह कुल जमाती तहरीक इस पर गौर व खोज करके उनकी तायद का इंशाल्लाह ऐलान करेगी।